आधार कार्ड ये क्या तकलीफ वीर इसे की पकड़ के डब्बा थल लगा दे ए नहीं खाली वाला सब अंगूठा लगा वो वाला अंगूठा अच्छा अच्छा हां लगा लगा हां इधर लगा वीडियो को इधर हां 10 दिन और 10 दिन में साथ में 58 मेल मैं सबसे पहले मीडिया और सीओ साहब जी का दिल से हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी पंचायत से, अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने ब्लॉक से बड़ा ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जहाँ बड़ा ज़्यादा फ़ायदा हुआ गरीब लोगों को, जैसे हमारा काल कैंप लगा था रियासी में कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो लोग नहीं जा पाए और बड़ा ज़्यादा लोग बीमार हैं इधर, बड़ा ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हर किस्म का डॉक्टर जहाँ पे है, तो मैं बड़ा ज़्यादा भाग्यशाली समझूंगा, बड़ा बड़ा ज़्यादा फ़ायदा हुआ है सर। यहाँ कोड़ी के कोड़ी गांव और उसके आसपास जो भी गांव है, वहाँ पे कई दिनों से हमें पता चल रहा था कि मेडिकल एड समय पर नहीं पहुँच पा रहा, मेडिकल फैसिलिटीज़, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी कोड़ी के अंदर जो कंपनी तैनात है, उन्होंने हमसे कहा कि सर कोड़ी के अंदर में एक मेडिकल कैंप आयोजित किया जाए, ताकि यहाँ कोड़ी के आसपास जितने भी गांव हैं वो भी इनकी सुविधाओं का लाभ उठा सके। इस सिलसिले में हमने अब आज के हमने कोड़ी में मेडिकल कैंप रखा है। अच्छा, अभी अमूमन तौर पर कल हमने लद में और बिड्डा में लगाया था, लद में कम से कम भी तो 450 के आसपास आए थे, लेकिन कोड़ी के अंदर अभी तक 150 के आसपास आम जनता ने मेडिकल कैंप का लाभ उठाया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा CRPF का मोटो सेवा और निष्ठा है, हम आम जनता के लिए ही काम करते हैं। अभी इस साल के हमारे जो मेडिकल कैंप हमने 6 लगाने थे वो लगा लिए हैं, अभी अगली बार जब भी हमारे पास मेडिकल कैंप लगाने का मौका मिलेगा हम ज़रूर लगाएंगे। जितने भी यहाँ पर आम जनता आ रही है उनके बीमारी के हिसाब से उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और नॉर्मल तौर पे जो भी हम मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बीमारी का कोर्स होता है वो लगभग 10 दिन की दवाई हम यहाँ प्रोवाइड करें, इन केस ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो डॉक्टर उसको कंसल्ट करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए भेज देंगे। हाँ, जब भी हम मेडिकल कैंप लगाते हैं हमारे 2 डॉक्टर तो हमेशा साथ ही रहते हैं, प्लस हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी अपने जो भी PSC है या उनका ब्लॉक वाले हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से डॉक्टर यहाँ पे और फार्मासिस्ट स्टाफ भेजते हैं, ताकि हमारे पास एक लगभग 8 डॉक्टरों की टीम हो जाती है, और प्लस हमारे पास उनके नर्सिंग असिस्टेंट और फार्मासिस्ट भी साथ में होते हैं।